तो म्यूजिक मूवीज और गेम के प्रेमियों के लिए हमारे इस चैनल पे एक और वीडियो आ चुकी है, एक और ईयरफोन्स के साथ में मैं आ चुका हूँ। आप अब मुझे टैकी तने की जगह ईयरफोन गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं इतने ईयरफोन्स के रिव्यू कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल को भरा हुआ देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बेस्ट प्रोडक्ट आप तक पहुंचाऊं। तो अब तक मैंने काफी सारे ईयरफोन्स के रिव्यूज किए हैं, आपने देखे भी खूब होंगे, और आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि एक 300 के अंदर में, 300 रुपीज, एक बहुत सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्रोडक्ट जो कि आराम से एक साल तक तो मुझे लगता है कि आपको धोखा नहीं ही देगा। 6 महीने की तो उसकी वारंटी भी आती है, तो ब्रांड भी आपको धोखा नहीं देगी, लेकिन अगर उसके बाद में भी अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो ये प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसने पोट्रोनिक्स ब्रांड के, आज हम कॉन्च 70 की बात करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे हम आज पोट्रोनिक्स ब्रांड के कॉन्च 70 की बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनेरा सिंह चौहान, आप मुझे देख रहे हैं टेकी तने के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मिलती है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अपडेट्स, कोई भी मोबाइल और पीसी के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड और भी बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। सो टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्निकल ट्रेंड्स, जस्ट सब्सक्राइब टू टेकी तने एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। अपडेट्स से मिस कभी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो छूटी तो आपका एक अच्छा प्रोडक्ट आपके हाथ से निकल सकता है। हम बहुत ही चुनिंदा प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो सच में आप तक पहुंचना चाहिए, ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। उनमें से एक है पोट्रोनिक्स का कॉन्च 70 का ये इन ईयर वायर्ड ईयरफोन। तो सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और उसके बाद में इसके रिव्यू पर जंप करेंगे। तो यहाँ आपको सामने स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है पोट्रोनिक्स के कॉन्च 70 ईयरफोन्स, ये इन ईयर वायर्ड ईयरफोन्स है। तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हम एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। तो इसमें आपको पावरफुल ऑडियो मिलने वाला है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है, बिल्ट इन माइक्रोफोन इसके साथ में है, और ये टेंगल रेजिस्टेंट इसकी वायर है, स्मार्ट एंड ड्यूरेबल है, और वाइड कंपैटिबिलिटी यानी कि पीसी और मोबाइल सबसे कंपैटिबल है। तो ये काफ़ी कुछ क्लेम करते हैं। इसका कलर जो मैंने रेड मंगवाया है यहाँ पे, और इसमें 6 मंथ्स की आपको वारंटी ये साथ में आता है, तो आपको बिल सेफ रखना है, 6 मंथ्स की वारंटी है। तो हमने जैसे ही डब्बा खोला है उसके अंदर ये पैकेट निकला है, और पैकेट के अंदर यहाँ पे आपको साइन एंड स्टैम्प या जो भी QR कोड वगैरह है वो मिलता है। एंड नेक्स्ट इस पॉली बैग के अंदर आपको मेन यूनिट, सो दिस इज़ द मेन यूनिट। तो अब इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो जैक है 3.5 mm का गोल्डन जैक यहाँ पे दे रखा है, एक आता है सिल्वर, या दिस इज़ द गोल्डन वन। यहाँ पे गोल्डन एक अच्छा क्वालिटी का माना जाता है, सो दिस इज़ समथिंग प्रीमियम क्वालिटी। और उसके बाद में अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो ये 1.2 meter की इनटेंजिबल वायर है। यहाँ पे आपको जॉइंट मिलता है, ये माइक, इसको आप ना समझें कि ये माइक है, ये सिर्फ एक जॉइंट है। उसके बाद में दोनों ईयरफोन्स अलग अलग वायर्स हो जाते हैं, यहाँ पे आके तार थोड़ा सा पतला हो जाता है। बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कॉल का बटन मिलता है, यानी कि आप इससे म्यूजिक को प्ले एंड पॉज भी कर सकते हैं और कॉल्स भी पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पीछे की तरफ मिलती है पोट्रोनिक्स की ब्रांडिंग, और इसका माइक भी यहीं पे सिचुएटेड है। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें आगे आपको जो ईयरफोन्स है, जो इन ईयर ईयरफोन्स है, उनकी एक अच्छी फिटिंग वाले, इसका भी डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो आपने अभी जो जैक देखा था उसका भी डिज़ाइन थोड़ा अलग था, और यहाँ पे इसका डिज़ाइन भी थोड़ा अलग है विथ पोट्रोनिक्स की ब्रांडिंग, और रबर वाले ईयरबड्स हैं, तो शायद ये इन ईयर फिट आपको थोड़ा अच्छा दे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये थे आपके, इसके माइक की टेस्टिंग भी हम करेंगे, ये पॉइंट्स थे। अब आपको ले चलते हैं सीधा इसके थोड़े से रिव्यू की, ये अनबॉक्सिंग की बात हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहला कंफ्यूजन है इसमें लेफ्ट ईयर का कौन सा है और राइट ईयर का कौन सा है। तो लेफ्ट ईयर दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, कोई भी अगर आप वायर्ड ईयरफोन खरीदते हैं तो जिस ईयरफोन में अगर आपको दो वो मिलते हैं वायर्स, एक में माइक होता है दूसरे में नहीं होता है, तो इसमें ऐसा है, तो इसमें माइक जिसमें होता है दैट इज फॉर द लेफ्ट ईयर। अब आपको इसको यहाँ पे, ये माइक है इस वाले में, तो मैंने इसको लेफ्ट ईयर में डाला है, एंड दिस वन इज इन द राइट ईयर। अब मुझे बाहर की बहुत कम वॉइस सुनाई दे रही है, सो शायद हो सकता है मेरी इंक्रीज्ड वॉल्यूम आपको सुनाई दे रही हो, तो मुझे बाहर की वॉइस कम सुनाई दे रही है रबर की वजह से। रबर इसमें एक बेस बूस्टर का काम करने वाला है, आपकी एक्सटर्नल जो आपकी डिस्टर्बेंसेस है उसको कम करने वाला है। नया प्रोडक्ट है तो इसका ये जो टर्न आपने देखा था पास में से, तो ये एक आपको ईयर के अंदर एक अच्छी फिट प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर मैं लगा के दिखाऊं आपको,
तो ये इस तरीके से आपकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है, इसको कान में अच्छे से फिट होता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके, जो मैंने इसको पिछले 2 दिनों से मैं इसको यूज ले रहा हूँ, अनबॉक्सिंग करने के बाद में मैं इसको 2 दिनों तक यूज लिया है मैंने, तो उसमें ऐसा मुझे क्या दिखाई दिया, मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो वॉइस क्वालिटी है दैट इज अप टू द मार्क मेरी एक्सपेक्टेशंस। आप 300 रुपए में अगर आप फिलिप्स के जो 40,000 वाले हेडफोन्स हैं उनकी वाली अगर एक्सपेक्टेशन करेंगे तो आई एम सॉरी बॉस, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन एक 300 रुपीज का प्रोडक्ट आपको जो TWS वगैरह आप देखते हैं उसमें आपको इवन आप 1,000 to 1,200 रुपीज खर्च करेंगे तो भी ऐसी क्वालिटी का म्यूजिक और ऑडियो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला है। अब ऑडियो एक्सपीरियंस काफी 3 तरीके से चेक किया जाता है, कौन कौन से, फर्स्ट इज कॉलिंग एक्सपीरियंस, सेकेंड इज गेमिंग एक्सपीरियंस एंड थर्ड इज द म्यूजिक एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। तो कॉलिंग की अगर बात की जाए तो इसमें माइक का एक बड़ा रोल होता है, तो इसके माइक की अगर बात करूं तो इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलता है, मतलब कि आप घर में बात करेंगे तो ऑब्वियसली माइक से वेरी क्लियर द साउंड विल बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वॉइस। लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिक में जाते हैं, हवा चल रही है, टेरेस पे जाके बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती है, आपको हवा की आवाज जाती है माइक में, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इसमें काफी हद तक उस चीज को कंट्रोल होते हुए मैंने देखा है, मैंने इसको ट्रैफिक में बाइक चलाते हुए भी बात करने की कोशिश की है, मतलब दैट इज रिस्की बट मैंने आपके लिए ट्राई किया था। तो कुछ लोग होते हैं जो हवा में चलते हुए बाइक की बात करते हैं तो वो भी इसको ले सकते हैं, रिकमेंडेड है अगर आप इन ईयर वायर्ड ईयरफोन्स देख रहे हैं उस चीज के लिए, तो दिस इज द रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माय साइड। फोटोनिक्स और भी काफी प्रोडक्ट्स बना देती है बट रिसेंट जो मेरा फेवरेट है ये Kohl's 70 बन चुका है। और उसके बाद में अगर इन ईयर उसकी बात की जाए कॉल क्वालिटी की, तो ये यहाँ पे आपको HD कॉल क्वालिटी को भी सपोर्ट करते हैं, वो आराम से आपको अच्छी HD वॉइस सुनाई देगी, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं सुनाई देंगे, खर खर फर फर ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई देने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो गेमिंग में सबसे ज्यादा क्या होता है कि आपको जो वॉइस का लैग होता है आपको ब्लूटूथ वालों में देखने को मिलता है, यहाँ पे ऐसा वॉइस लैग कोई भी नहीं देखने को मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको लेफ्ट एंड राइट का जो फर्क नहीं पता चलता है, या फिर जब इंसान आता है तो उसके कदमों की आवाज या फिर बच्चा आपकी आवाज नहीं सुनाई देती है। आप ज्यादातर BGMI या PUBG खेलते होंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, या आप इसको अपने लैपटॉप में भी कनेक्ट करके आप उसमें भी गेमिंग का एक्सपीरियंस एक अच्छे लेवल तक ले सकते हैं। थर्डली मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है म्यूजिक और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, या यूट्यूब या फिर वीडियोज वगैरह देख रहे हैं म्यूजिक एंड मूवीज का एक्सपीरियंस, वो मैं थोड़ा कम देखता हूँ बट स्टिल मैंने म्यूजिक जो इस पे सुना है, मैं वैसे तो होम थिएटर में सुनता हूँ सारी चीजें क्योंकि आई लाइक लाउड म्यूजिक, जब भी मुझे पसंद होता है मैं लाउड म्यूजिक की तरफ जाता हूँ। तो ये बाहर की नॉइसेस को जैसा मैंने आपको लगाते ही बताया था कि मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, इसका मतलब उसमें म्यूजिक जैसे ही ऑन होगा तो बाहर के वर्ड से आप पूरे कट ऑफ हो जाएंगे, एंड एक अच्छा बेस वगैरह ट्रेबल वगैरह बैलेंस्ड क्वांटिटी का मुझे इसमें दिखा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बेस बूस्टेड है या ट्रेबल बूस्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना भी कोई एडवांस फीचर नहीं दे रखा है, बट दिस इज ओकेश प्रोडक्ट 300 के अंदर में है, तो ये बार बार मुझे याद दिलाना पड़ रहा है कि प्रोडक्ट 300 के अंदर में है। और इसमें नेगेटिविटीज मैं नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी नेगेटिविटीज नहीं है इसमें। 300 में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जो आपको कॉल क्वालिटी चाहिए, आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तीनों आपकी रिक्वायरमेंट्स को ये चेक करता है। तो ये प्रोडक्ट आपको मेरे हिसाब से लेना चाहिए अगर आपका बजट 300 से या 500 से भी नीचे है, तो दिस इज द रिकमेंडेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेस्ट बाय लिंक आपको दूंगा क्योंकि प्राइसेस चेंज होती रहती है, तो जहां पे भी बेस्ट सेल या फिर वो चल रही होगी वो प्रोडक्ट हम लिंक अपडेट कर देंगे और आप ऑफर में उसको ले सकते हैं, लगभग 200 रुपए में भी आपको पड़ सकता है, मुझे ये 279 रुपीज में विद डिलीवरी चार्जेस पड़ा है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितने मेरे लिए बनाने के लिए इंपॉर्टेंट थी, उतनी ही आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो दोनों के इंपॉर्टेंस को समझते हुए दोनों के हित में एक फैसला लेते हैं कि आप टेकी तने के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ बेटर टॉपिक एंड अ बेटर डिवाइस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड दिस इज तनेराज सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।